स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट टू है। पार्ट वन हमने आपके अगले वीडियो में डाल चुका था, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट टू। यानी कहने का मतलब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा अनुपात और समानुपात के रिगार्डिंग। ये भी आपको ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, तो प्लीज बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक में आप जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले सकते हैं। आपको पता है कि इस चैनल पे हमने आपके लिए साइंस से भी क्वेश्चन, कहने का मतलब है जो फिजिक्स है यानी फिजिक्स से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स या डाउट्स को क्लियर कराए जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हमने सेकंड पार्ट्स, कहने का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट्स भी अपलोड कर चुका है, तो प्लीज उसे भी जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2 और 3 के अनुपात में आ जाए। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन जो है ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जो नई संख्या है वो 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। चलिए इसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। यानी कहने का मतलब 7 और 13 का अनुपात में दिया गया, और कहने का मतलब इसी को कैसे इस तरह लिख सकते हैं 7/13। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक कहने का मतलब दोनों पद में, हम मान लेते हैं कितना जोड़ दें, x जोड़ दें, कितना जोड़ दें, x जोड़ दें, और बोला गया क्या कि यह जो संख्या हो वो कितने के अनुपात में हो जाए, 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। आप इसे बाय ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे बाय ऑप्शन से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन फिर भी हम इसी तरह से देखते हैं। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21 हो गया, 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 13 में 2 से गुना करेगा 26 प्लस 2x। इसे जैसे ही आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिएगा ये 21 है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 26 माइनस 21। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी x का वैल्यू जो आया हमारा 5 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब प्रत्येक पद में हम यदि 5 जोड़े, कहने का मतलब देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ते हैं, 5 जोड़ देते हैं, तो यह संख्या जो है इसके अनुसार यानी इस अनुपात में आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 7 और 5 हो जाएगा 12, 13 और 5 हो जाएगा 18, यानी 6 × 12 6 × 18, 6 × 12 6 × 18। तो आप इसे वाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है इस बेसिक मेथड को बनाने के लिए तो ऑप्शन से भी आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक पद में 9 जोड़ देने से उसका अनुपात 16 और 27 हो जाता है, तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी, दोनों में से एक संख्या पूछा जा रहा है। अब इस बार में हमें बता दिया गया है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा गया है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा गया है ये हमें संख्या ज्ञात है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे मान लेंगे, माना कि पहला संख्या यानी फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो मान लेंगे कितना x मान लेंगे 5x मान लेंगे, कितना x मान लेंगे 5x, एंड सेकंड हमारा जो हो जाएगा वो 9x के ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो कहने का मतलब है 5x हो जाएगा अपॉन में 9x हो जाएगा, इसके प्रत्येक पद में कितना जोड़ दिया गया है 9 जोड़ दिया गया, कितना जोड़ दिया गया है 9, तो यह जो संख्या है वो 16 और 27 के रूप में हो जाता है। तो इसे जैसे ही आप सोल्व करिएगा तो सोल्व करने से क्या हो जाएगा, इसे आप सोल्व कर चुके होंगे तो देखिए ध्यान से इसे सोल्व करते हैं, 27 में आप 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100, 27 × 5 = 135 हो जाएगा, 135 x + 27 को 9 से गुना करिए, 27 को 9 से गुना करिए, 109 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 243 हो जाएगा। इसे सोल्व करते हैं, 16 में 9 से गुना करेगा तो 144 हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो आपने 16 में 9 से गुना करिए 144 और प्लस तो प्लस, और 16 में फिर से 9 से गुना करिए तो 144 आ गया, यानी एक बार x के रिस्पेक्ट में आएगा एक बार इस तरह से आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसे आप इस साइड में भेज रहे हैं, इसे आप इस साइड में भेजिए, इसे इस साइड में, कहने का मतलब 135x माइनस 144x इज इक्वल टू 144 माइनस 243। तो देखकर यहां से सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 35 में कितना
ऐड करने पर 44 आता है, यानी 44 में आप 35 को मल्टीप्लाई मतलब सब्सक्राइब करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो कहने का मतलब 9 5 14 होता है, कहने का मतलब आ जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू, वो भी माइनस में आएगा, बड़ा वाला अंक का साइन लगेगा, यहाँ पर भी बड़ा अंक वाला साइन लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 144 है 143 है, मतलब यहाँ 244 रहता तो आप 100 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक और ज्यादा घटाना है, कहने का मतलब आप इस तरह से घटाइएगा, ऐसे यहाँ पर घटाने के बाद 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 99। आप सॉल्व कर चुके होंगे तो ध्यान दीजिए 144 को आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 13 में से 4 गया 9, यहां भी 13 में से 4 गया 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कहने का मतलब कितना आ चाहिए 99। तो आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो x का जो वैल्यू आया होगा वो 11 आया होगा, x का वैल्यू कितना आया होगा 11 आया होगा। तो आप बोला गया दोनों में से एक संख्या क्या है, तो दोनों में से एक संख्या, ना कि बोला गया पहला संख्या या दूसरा संख्या, कहा गया दोनों में से कोई एक संख्या, तो दोनों में से कोई एक संख्या देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो क्या आ जाएगा 55, ये आपके ऑप्शन में रहेगा तो ये हो जाएगा, नहीं है तो सेकंड नंबर को चूज करेंगे तो कितना है सेकंड नंबर 9 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। आपका दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो हमारा राइट आंसर होगा, इस ऑप्शन में आ जाएगा आपका 99 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन के थ्रू आपका 99 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 28, कह रहा है क्वेश्चन कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह जो अनुपात है 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। तो वही चीज है, यानी पहले जो क्वेश्चन था बाई ऑप्शन के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका टर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो 28 का जो आंसर होगा कुछ इस तरह से, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 15 और इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 15 और 19 के रूप में। अब क्या बोला गया कि घटाई जाए प्रत्येक पद में, तो प्रत्येक पद में कितना घटा देंगे हम लोग, x को घटा देंगे। अब x को घटाने के बाद जो आएगा वो कितना आना चाहिए, वो 3 और 4 के अनुपात में आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करिएगा तो बस वही नियम है, 15 चौक 60 हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 16 नवा कितना होता है, सॉरी 19 दिया कितना होता है, 19 दुनिया 38, 19 दिया 57 57 और माइनस में 3x हो जाएगा। आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो माइनस 4x और जो प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 57 और माइनस में 60, कहने का मतलब ये हमारा माइनस x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा देखिए 57 में से 60 घटाएंगे यानी माइनस 3, यानी x का वैल्यू जो आ रहा होगा वो आपका कितना आ रहा होगा 3, 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। आप इसे ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे, तो 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा, टाइप हमारा चेंज हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड टाइप देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, 1:2:3:4 के अनुपात में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, उन संख्याओं का योग कितना है 16 है, तो पहली व चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखिए अनुपात में दिया गया है कि 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यही ना। अब कहा गया कि इसका जो योग है, संख्याओं का जो योग है वो कितना है 16, तो कह रहा है कि पहला और चौथा का योग क्या होगा, पहला और चौथा का योग क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, x मान के भी बनाइएगा और आप बिना x मान के भी बना सकते हैं, तो चलिए हम बिना x मान के ही बनाते हैं। तो देखिए संख्या हमारा इस रूप में है ना, तो इसका योग निकालेंगे, कौन सा योग निकालेंगे, अनुपातिक योग। अनुपाती योग जैसे ही आप निकालेंगे तो 1+2+3+4 इज इक्वल टू 4 3 7 7 2 9, ओके 9 1 कितना हो जाएगा 10, कहने का मतलब 4 3 7 7 2 9 9 1 कितना हो गया 10, इसी का योग कौन सा है 16 के बराबर, तो कह सकते हैं कि 10 जो हो जाएगा वो 16 के बराबर होगा, योग योग के बराबर होगा ना, यानी कि संख्याओं का योग 16 के बराबर है, तो यहां भी हम क्या कर दें, ये जो 16 के बराबर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या वैल्यू कितना आ जाएगा 16/10, इसे शॉर्ट आउट करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 8/5 हो जाएगा। कहा गया है कि पहला और चौथा का योग क्या होगा, तो पहला का वैल्यू कितना है, कहने का मतलब कि 1 का मतलब कितना हो जाएगा पहला का 8/5, यानी मल्टीप्लाई करना है ना, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो पहला का मान कितना है 8/5। उसी तरह आप किसका देख लेंगे, फोर्थ का वैल्यू देख लेंगे, तो 4 का देखिए कितना है 4, आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 32 बटा कितना आ जाएगा 5,
32/5। अब चलिए देखा गया है कि पहला और चौथा का योग यानी फर्स्ट प्लस फोर्थ का योग देख रहे हैं, तो फर्स्ट का वैल्यू कितना है 8/5 और प्लस कितना फोर्थ है तो 32/5, यानी एलसीएम आप ले सकते हैं तो 5 आएगा। 32 और 8 को जब यहाँ ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। आप इसे क्या करते हैं सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका हो जाएगा 8, यानी 8 इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब कि पहला और चौथा को आप ऐड करिएगा तो उसका आंसर कितना आने वाला है 8। पहला और चौथा को आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है 8 आएगा, 8 आपका राइट आंसर होगा। आप इसे x मान के भी बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर x मान के बनाना है तो आप इस तरह से मान सकते हैं कि 1x plus 2x plus 3x plus 4x, यहाँ जो आएगा वो आपका 10x के बराबर हो जाएगा। कितने x के बराबर हो जाएगा 10x के। आप जो कहिएगा वो 10x जो है वो 16 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से पहला का निकालने बोलेगा तो पहला का निकालिएगा 1 गुना 8/5, उसी तरह 4 गुना 8/5, काम वही करने वाला है जो बिना हमने x मान के बनाया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को x मान के बनाने की कोई नीड नहीं है, आप बिना x मान के भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बस तरीके को समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। इस बार कहा गया दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, दो संख्याओं का अंतर इनके योग का 45% है, बड़ी व छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं कहने का मतलब कि पहली संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वो संख्या है वो x है और सेकंड संख्या क्या है वो y, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया, कहा कि पहली और दूसरी संख्या का जो योग है, पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर है उनके योग का, तो कहने का मतलब पहली और दूसरी संख्या का अंतर देख लेते हैं, ठीक है। इनके योग का 45% है, कर 45% कर दिए, 45% करने का मतलब 45/100, इसे आप 5 से डिवाइड करेगा तो 9, 5 से डिवाइड करेगा तो 20, ये 20 को इधर लाके मल्टीप्लाई करिए तो 20x माइनस कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 9x प्लस कितना हो जाएगा 9y। आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, x को x के साथ करते हैं तो 20x माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 20, सॉरी 9y प्लस 20y, माइनस से उधर जाएगा प्लस में होगा, यहां से अब इसे घटाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 11x बराबर 20 और 9 को यहां ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 20 और 9 को जो ऐड करिएगा तो 29y। तो x और y का हम वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, x और y का वैल्यू निकालना है तो 29/11। तो कहने का मतलब है कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात पूछा गया है 29 और 11 के अनुपात में आएगा। कहा क्या गया है कि बड़ी और छोटी संख्या, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या आएगा 29/11 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आपके मिलेगा उसे आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यानी एक ही टाइप के हम बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें ये क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं। तो हम आपको वो जो टाइप सेम रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। अब कहा गया कि कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए जिससे लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना हो जाए 9:5 के अनुपात में हो जाए। कहने का मतलब क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा गया लड़कों और लड़की, यानी कहने का मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है वो 3:1, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट है वो कितना है 36। तो यहां से आप अनुपाती योग देख सकते हैं, योग देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर कितना 36। तो यहां से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहां जोड़िएगा तो 4 और 1 बराबर यहां जो आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो यहां से आप बॉयज का जो हिस्सा निकालिएगा, बॉयज का हिस्सा वो कितना आ जाएगा 9 + 3 = 27, और गर्ल्स का जो हिस्सा निकालिएगा वो 9 हो जाएगा। बॉयज का हिस्सा कितना हो जाएगा 27, यानी बॉयज हो जाएगा वो 27 हो जाएगा और गर्ल्स कितना हो जाएगा 9। अब कहा गया है कि गर्ल्स में, ये वाले में गर्ल्स में और कितना ऐड किया जाए, गर्ल्स में और कितना ऐड किया जाए कि वह अनुपात कितना हो जाए
9 और 5 का हो जाए। तो देखिएगा यह जो अभी अनुपात है वो 27 और 9 के रीजन में है। तो यहाँ बोला गया है कि गर्ल्स में और कितना ऐड किया था, तो गर्ल्स में ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाए, 9 और 5 का हो जाए। जैसे आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो देखिए 135 प्लस इज इक्वल टू 81 प्लस 9x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से घटाइएगा तो आपका आएगा 54 इज इक्वल टू 9x और x का बराबर कितना आ जाएगा 6, इस बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देख रहे होंगे इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को समझना आसान है, समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग चीजों को समझेंगे ना कि उससे के साथ हम लोग स्ट्रगल करेंगे, हम चीजों को समझेंगे और बाकी बारीकी से सॉल्व करते चलेंगे, किसी भी चीज का दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बस टाइप चेंज रहना चाहिए, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ध्यान, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया 54, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे दिया गया है तो 54 दे दिया गया है। उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, उन संख्याओं का योगफल जो है उनके अंतरफल की अपेक्षा क्या है 12 अधिक है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या हो, ध्यान दीजिएगा यहां से क्वेश्चन में दे दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, और दोनों का गुणनफल दिया गया है वो 54 के बराबर है। चलिए लिख दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा उन संख्याओं का योगफल, कहने का मतलब है देखिए आप क्या बोल रहे हैं, उन संख्याओं का योगफल, योगफल कर दिए, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल, उनके अंतरफल, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल, अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है। उन संख्याओं का योगफल जो है उनकी अंतरफल की अपेक्षा क्या अधिक है 12 अधिक। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा कितना अधिक है 12 अधिक है। बार बार क्वेश्चन को आपको समझाया जा रहा है, उन संख्याओं का योगफल जो है उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, कहने का मतलब दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें 12 ऐड कर देंगे कि नहीं, बोलिए 12 ऐड कर सकते हैं या नहीं, क्या दिक्कत है, 12 ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है। कहने का मतलब है क्या बोला गया है, उनका जो योगफल है उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, तो 12 अधिक ये ना है, ये तो 12 कम होगा, तो यहां से यदि हम 12 इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या ये समीकरण एक दूसरे के बराबर होगा या नहीं होगा, आप इसे सोच कर देखिए, क्या ये समीकरण एक दूसरे के बराबर होगा या नहीं होगा, तो होगा ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे आप सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा एक्स को इधर ला रहे हैं तो एक्स प्लस वाई, देखिए x को इधर ला रहे हैं माइनस एक्स, उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला माइनस में इधर आ जाएगा प्लस वाई, बराबर लिख सकते हैं 12, कोई दिक्कत। यहां से देखिए x से x कट जाएगा तो 2y बराबर कितना आ गया 12, 2y बराबर कितना आ गया 12, तो यहां से आप सॉल्व कर रहे होंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से देखिए कि y का वैल्यू 6 आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, देखिए y का वैल्यू तो 6 आ गया है और यहाँ पर दिया गया है x और y का गुणनफल जो है वो 54 के बराबर है, x और y का गुणनफल कितने के बराबर है 54 के बराबर, जहां हमने y का वैल्यू निकाला वो कितना निकाला 6 निकाला, अब वो 54, तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। कहने का मतलब दोनों के बीच बड़ी और संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात पूछ रहा है, यानी बड़ी अनुपात छोटी, तो बड़ी क्या है, बड़ी संख्या क्या है x है और छोटी संख्या क्या है y है, यानी कहने का मतलब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 3 3 9 और 3 2 9 6, यानी बड़ी और छोटी के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा, बड़ी और छोटी के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। तो आप चीजों को समझिएगा तो आप इसे इस तरह से सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो बिना समझे कोई भी चीज को आप पढ़ नहीं सकते, तो चीजों को बारीकी से समझिए और उसे सॉल्व करिए। मैथ को आप बोल सकते हैं ना कि जितना आप इजी बनाइएगा उतना आप इजी बनते चला जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कुछ अलग तरीके का, इस बार कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के क्या है 4% का योग, कहा गया है पहली संख्या के 6%
और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3। तो पहली और दूसरी का अनुपात तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 5%, कहने का मतलब कि पहली संख्या हम लोग फिर इसी तरह मानेंगे x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे होंगे, देखा दीजिए पहली का 5%, ठीक है पहली का 5% और योग कर रहा है कि दूसरी के 4% का योग, कहने का मतलब y के 4% का योग। कोई दिक्कत, ये बराबर है पहली के 6% प्लस दूसरी के 8% के योग का कितना है, योग का आपका दिया गया 2/3। चलिए आप इसे सॉल्व करिएगा, आप इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करिएगा और इसे भी सॉल्व करते हैं, सारे को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो तीन है उसको भी इधर लाएंगे और बाकी बारीकी से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं आप एक और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 20, यहाँ सॉल्व करिएगा एक और नीचे कितना हो जाएगा 25, यहाँ सॉल्व करिएगा देखिए तीन से दो से सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 50। इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे दो से, तो दो से चलिए चार से ही सॉल्व करते हैं, चलिए दो से सॉल्व करते हैं, चार से सॉल्व करते हैं तो 4 × 2 = 8 और 25 हो गए 100। ठीक है, 4 × 2 = 8 और 4 × 25 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो रहा होगा। तो कोई दिक्कत, यानी 4 से आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हो। अब देखिए इसे इस तरफ लाते हैं तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, इसे गुणा करिएगा 3 से और यहां पर हो जाएगा xy20 प्लस इसे आप y y25 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3xy50 और प्लस 2y/25 और इसे भी गुणा करना है कितना से 2 से। चलिए सॉल्व करें तो 3xy20 गुणा ऊपर के साइड में होता है प्लस 3y/25 बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा 3 × 6xy50 प्लस 4y/25 है ना। अब इसे सॉल्व करते देखिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100, कितना बार में 20 × 25 = 100, 5 × 3 = 15x प्लस 25 × 6 = 100, 4 × 3 = 12y बराबर, यहां आप सोचिएगा तो 50 आ जाएगा, एक बार में 6x प्लस ये दो बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 8y। आप देखो कितना हो जाएगा, इसे आप काट तो ये एक बार में कट रहा होगा और ये कितने बार में कट रहा होगा, दो बार में कट रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कहने का मतलब आ गया 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 12x प्लस 16y। आप चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ध्यान से 15 और 12, कहने का मतलब इसको इधर लाइएगा तो ये 12 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू 12 में से 16 जाएगा तो 4y, यानी x और y का जब वैल्यू निकालिएगा तो आप कुछ इस तरह से आ रहा होगा 4 और 3 के रेशियो में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चीजों को बारीकी से समझिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसमें जैसे यदि 6 और 7 के अनुपात 6 अनुपात 7 के दोनों अंकों में घटाया जाए तो परिणामी 16 और 21 से अधिक अनुपात में। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी पहले वाले क्वेश्चन में आप x मान के दोनों पदों में घटा देंगे। तो चलिए कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 1862 है, इनके वर्गों का योग कितना 1862 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को कहा रहा है कि 3 जो संख्या वो कितना है, 3 है 2 है और 5 है, ठीक है 3 और 2 है और 5 है, इनके वर्गों का योग जो दिया गया 1862 है, कितना है 1862 है। तो कहने का मतलब वर्गों का योग है ना, तो वर्गों का योग कहने का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 वर्ग, फिर देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि इसके योग के बराबर होगा या नहीं होगा 1862, कोई डाउट है। चलिए 25 और 4 29 और 29 में 9 से गुणा करेंगे, सॉरी 29 में 9 से जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा,
38 में कितना से भाग दें 1862, यानी 38 में जब 1800 आप भाग दे रहे होंगे तो आएगा, जैसे बोल सकते हैं इसे जब आप डिवाइड करिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा 49 के बराबर। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, तो कहा जा रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 49 में सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब 2 है ना, तो वर्ग का योग निकालना गया है तो 2 है, 49 में आप 2 से गुणा करिए तो कहने का मतलब, चलिए देखते हैं एक बात और देखते हैं, ये सारा का सारा तो स्क्वायर है ना, ये सारा का सारा तो स्क्वायर के वैल्यू है, यानी कहने का मतलब कि स्क्वायर का ही मतलब ये भी जो आया है स्क्वायर का ही मतलब है, तो 49 है किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 7, और सबसे छोटी संख्या जो बोला गया है वो आप 7 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा, 7 गुना कितना हो जाएगा वो 14 के बराबर हो जाएगा। यहाँ एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू है ये स्क्वायर के बराबर है ना, यानी आप कह सकते हैं 9 + 4 + 25 बराबर 1862, तो ये कटा कब 49 के बराबर, यानी कि सब का स्क्वायर के बराबर, यानी कहने का मतलब ये भी जो वैल्यू आया होगा वह स्क्वायर के रूप में ही होगा, तो कहने का मतलब किसका स्क्वायर है 7 का, और सबसे छोटी संख्या बोला गया तो 7 में आप सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 में 2 से गुणा कर देंगे तो आप चीजों को इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन अब देखिएगा कुछ नया से, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 का है और उनका अंतर 115 है, तो दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का अनुपात दे दिएगा 3 और 8 का, कहा गया इन संख्याओं का अंतर, तो कहने का मतलब है कि अनुपातिक अंतर भी देखेंगे, अनुपातिक अंतर जब देखेंगे तो वह अंतर के बराबर हो जाएगा, तो कहने का मतलब 3 - 8 बराबर 115 बोल सकते हैं, तो 5 बराबर क्या बोल सकते हैं 115 हो सकता है, बोलिए 5 बराबर 115, तो कहने का मतलब जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से देखिएगा ध्यान से, ये 21 बार में कट जाएगा, बोलिए 21 बार में कटेगा या नहीं कटेगा, 21 बार में कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप बोल सकते हैं 21 - 5 = 75 से नहीं, ये नहीं कटेगा, तो आप जब चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिएगा 5 × 10 = 15, तो यानी x एक का मतलब कितना आ गया 23 आ गया, एक का मतलब 23 आ गया, तो कहा क्या जा रहा है वो ध्यान दीजिए, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कहने का मतलब क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 में 3 से जब गुणा करेंगे तो 23 का कितना हो जाएगा 69 हमारा राइट आंसर होगा, तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, दो संख्याओं का योग 40 है उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दो संख्याओं का योग बोल रहा है तो पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या y मानेंगे, तो पहली संख्या x का और y का जो योग है वो 40 है और अंतर क्या है, अंतर जो है वो 4 के बराबर है, आप इसको समीकरण मान सकते हैं फर्स्ट भी और समीकरण सेकंड मान सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा देखिए क्या कर रहे हैं, ये x और y दूसरे से क्या हो जाएगा खत्म होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22, x का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 22 के बराबर हो गया, तो आगे चीजों को देखते हैं क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, कहने का मतलब जिसका वैल्यू आ गया जिसका वैल्यू 22 है तो अगला जो होगा, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो x का वैल्यू जो 22 आ गया, तो आप समीकरण कितने में डाल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में आप x का वैल्यू डाल सकते हैं, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 40, x का वैल्यू 22 है, x का वैल्यू 22 + y बराबर 40, तो x y बराबर कितना आ जाएगा 18, कितना आएगा 18, तो कहने का मतलब x और y का अनुपात देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x और y का अनुपात आ जाएगा 22 / 18 आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 और 9 के अनुपात में हो जाएगा, कोई दिक्कत, इस तरह सब चीजों को सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कुछ नया है, कुछ अलग है, ध्यान दीजिएगा। 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 13 और 11, यानी 504 टोटल जो स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा कितने हैं, 504 कितने स्टूडेंट है, 504। बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो है वो कुछ इस प्रकार से है, 13 और 11 का रेशियो, ठीक है, 13 और कितने का है, 11 का रेशियो है। अब कहा गया कि यदि 12 लड़कियां और ऐड हो जाए, कितना लड़कियां और ऐड होगा, 12, यानी 12 लड़कियां क्या हो जाएगा और ऐड हो जाए, कितने लड़कियां और ऐड होंगे, 12, ध्यान दीजिएगा, 12 लड़कियां और ऐड हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा, 12 लड़कियां को भर्ती करना है, किसको भर्ती करना है, 12 लड़कियां को भर्ती करना, 12 गर्ल्स को और भर्ती करना, तो बोल रहा है नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहां से देखेंगे अनुपातिक योग, संख्या देख लेंगे दोनों का कितना कितना है, योग, अनुपातिक योग करने का मतलब 13 और 11 को जोड़ेंगे, 13 और 11 को जोड़ेंगे, 13 और 11 को जोड़ेंगे कितने के बराबर हो जाएगा, 504 के बराबर हो जाएगा, तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 और 24 जो हो जाएगा 504 के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, 24 से सॉल्व कर रहे होंगे तो 24 दुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 दुना 48, और एक बार में और काटिएगा तो 24 इकाई 24, यानी 21 बार में यह क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा, 21 बार में क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा। तो आपका हर क्या जा रहा है कि यदि यहाँ पर जी का वैल्यू देखते हैं तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 में कितना गुना करना है, 11 से, 21 में कितना से गुना करना है, 11 से। बॉयज से जो वैल्यू देखना चाहते हैं तो 21 में कितना से गुना करना है, 13 से। अब जब चीजों को गुना कर रहे होंगे, जब आप 21 को 11 से गुना कर रहे होंगे तो 231 आ रहा होगा, और जब आप 21 को 13 से गुना कर रहे होंगे तो 273 आ रहा होगा। तो चीजों को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो कहा क्या गया है कि ऐड किसने करना है, 12 लड़कियां को और ऐड करना है, लड़कियां कहने का मतलब ये हमारा जी है ना, तो अब जो होगा वो बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो होगा, ऐसे आप इसे सॉल्व करेगा तो देखिए कितना गया, 231 और 273, तो कहने का मतलब बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है वो 273 है, और गर्ल्स में 12 और ऐड होगा, यानी कहने का मतलब ये बी है और ये जी का, गर्ल्स में 12 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 243। अब चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, चीजों को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना जाएगा, देखिए ऑप्शन है तो ऑप्शन के हिसाब से बोल सकते हैं, अब इसे ऑप्शन के हिसाब से भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी आप इसे ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन देखिए तो यह अनुपात जो होगा 91 और 81 के अनुपात में, इस तरह से आप चीजों को सॉल्व करो। तो अगला क्वेश्चन ध्यान, तो चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित पार्टी में पुरुषों एवं औरतों की संख्या के बीच का अनुपात है 1 और 2, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरत पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, 2 पुरुष और 2 औरत पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो यह नया अनुपात 1 और 3 में बन जाता है, तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो ध्यान दीजिएगा पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे वो ध्यान देना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ध्यान से, एक पार्टी थी, ठीक है, उसमें कितने का अनुपात में था, पुरुष, कहने का मतलब मैन और वुमेन, ये 1 और कितने के अनुपात में थे, 2 के अनुपात में। अब कह रहा है कि जब पुरुष, 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिया, जब 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिया तो यह जो अनुपात है वो 1 और 3 के अनुपात में हो गया। देखिए अगले जो हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करते हैं, यानी मैन और वुमेन के बीच में देखते हैं, तो यह जो 1 और 2 के अनुपात में था। अब कहा गया, यहां से हम लोग मान लेंगे, देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग मान लेंगे मैन और वुमेन का जो अनुपात है 1x और 2x, तो कहने का मतलब 1x और 2x के अनुपात में जैसे ही दो दो निकल गया तो यह अनुपात जो है वो कुछ इस तरह से हो गया 1 और 3, तो जैसे ही इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 3x - 3 × 2 से मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा बराबर 2x प्लस माइनस, यानी इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस, आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितने के बराबर, ये प्लस में जाएगा उधर तो प्लस में जाएगा तो ये 4, यानी x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 के बराबर, x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 के बराबर। अब वो कहा क्या जा रहा है कि कितने लोग पार्टी में उपस्थित थे, तो कितने लोग उपस्थित थे यहां से देखिएगा, टोटल कितने लोग थे,
यानी कि 1x और प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया 12, यानी उस पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, 12 लोग उस पार्टी में उपस्थित थे। तो यहां तक हमने चीजों को सॉल्व किया, अब कुछ अलग टाइप के साथ आपके लिए नए वीडियो पर आएंगे, तो ये वीडियो भी आप बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि हम एक नए एक अलग कॉन्सेप्ट से आपसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी हमारे वीडियो को देखने का मौका मिल सके, उन्हें भी हमारे वीडियो को देखने का मौका मिल सके। और अब बेल आइकन को प्रेस करिए, कहने का मतलब है कि आपके एक लाइक या एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और उस वीडियो को और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए इसी तरह से।